नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल के कैमरे को एक सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि खुफिया कैमरे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे सिचुएशन या ऐसे हालात पैदा होते हैं कि हमें कोई सिचुएशन या कंडीशन को रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ जाती है, तो बस इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के कैमरे की मदद से ही चुपके से किसी को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और कुछ भी बातें उनकी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपको ऐसी ज़रूरत है तो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका आप गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो देखिए इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। छोटी सी ऐप है, 2-3 MB की ऐप है, कुछ ज़्यादा बड़ी ऐप भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें सिर्फ एक दो चीज़ें यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आपको फ्रंट कैमरा अपना यूज़ करना है या बैक कैमरा यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन, मतलब कितने मिनट की आप रिकॉर्डिंग यहाँ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पर कितने मिनट की आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। और अगर आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग मान लीजिए सिर्फ 1 मिनट की ही दिखाई दे रही है, उससे ज़्यादा टाइम की नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक वॉच ऐड का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही एक ऐड देख लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो ड्यूरेशन या टाइम लिमिट है वो बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा देर की भी रिकॉर्डिंग यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है ये, यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि आप कितने मिनट के बाद आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप 3 मिनट के बाद या आप मान लीजिए 1 घंटे के बाद आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पर उसी हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं। तो उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक आपका कैमरा जो है स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने फ़ोन को अपने पास रखिए, अपने फ़ोन को आप चाहे क्लोज़ भी कर दीजिएगा तब भी ये रिकॉर्डिंग आपकी कर लेगा जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये पैक कर दिया है, और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बटन एक बना के रखें कि जिसे आप टच करें तभी ये रिकॉर्ड हो, तो उसको भी आप यहाँ पर बना के रख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, मैंने यहाँ पर होम पेज पे ये बटन यहाँ पर रखा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो होगी वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ आपको वीडियो ही दिखाई नहीं देगी बल्कि आपको आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, क्योंकि कई जो रिकॉर्डर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वीडियो तो दिखाई देती है लेकिन उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप वीडियो कहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ गैलरी में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, गैलरी में भी ये ऑटोमेटिक सेव होगी, और उसके बावजूद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। SVR सेटअप ना आपका यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक ऑप्शन आएगा आपको रिकॉर्डेड वीडियोस का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखिए ऐड खुल गई, मैंने इसको क्लोज कर दिया। आप यहाँ ऊपर क्लिक करके भी वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो ही ओपन कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने छोटी सी वीडियो अभी बनाई थी जो रिकॉर्ड हुई थी, उसको मैंने आपको यहाँ दिखाया। तो दोस्तों बहुत ही यूज़फुल ऐप है, आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है जब हमें ज़रूरत महसूस होती है कि काश हम अपने मोबाइल या किसी रिकॉर्डर से किसी को भी रिकॉर्ड कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।